आगामी 12 सितंबर से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की फिर से शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा स्थगित कर दी थी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने कहा, पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा शुरू की थी तब वहां की स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया था। बाद में कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का नाम दिया था। देखिए, केदारनाथ यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको, आज फिर वो वहाँ पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहाँ की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पर बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो, और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देख लेना, जब दिल्ली के अंदर केदारधाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है, सरकार को कानून बनाना पड़ सकता है और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, तो केदारनाथ के लोग इस केदारनाथ यात्रा को, ये राजनीतिक यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे, कैसे उसको स्वीकार करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये एक बड़ा प्रश्न वहां के लोगों के सामने।